this way. दोस्तों फाइनली टाइगर 3 फिल्म से एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट हो चुका है। आपको बता दें कि टाइगर 3 को लेकर एक छोटा सा टीज़र जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि आखिरकार टाइगर 3 फिल्म कब रिलीज़ होने वाली है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस टीज़र में हमने देखा कि सलमान खान जो है बहुत ही बेहतरीन डायलॉग मारते हैं और कहते हैं कि टाइगर इज़ ऑलवेज रेडी। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि टाइगर 3 जो है अब रेडी हो चुका है सिनेमाघरों में आने के लिए, लेकिन उसके लिए दोस्तों थोड़ा सा इंतज़ार बाकी है। दोस्तों अगर बात करें फिल्म के मेकर्स की, तो फिल्म के मेकर्स ने ये डिसाइड किया है कि 21 अप्रैल 2023 के मौके पर फिल्म टाइगर 3 को रिलीज़ किया जाएगा। दोस्तों काफ़ी लंबे समय से खबरें सामने आ रही थी कि टाइगर 3 फिल्म की शूटिंग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिल्म की शूटिंग को ख़त्म करने और फिल्म को रिलीज़ करने में काफ़ी गैप है। ऐसा दोस्तों इसलिए किया गया है कि सलमान खान हमेशा ईद के मौके पर फिल्में लाते हैं और ईद के मौके पर ही टाइगर 3 आएगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म पठान का भी हाल ही में अनाउंसमेंट हुआ है, तो एक साथ दो बड़ी फिल्में रिलीज़ करना यशराज के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता, इसी के वजह से यशराज ने 2 महीने का गैप रखा है, 2-3 महीने का गैप रखा है मतलब दोनों फिल्मों में। साथ ही साथ आपको बता दें कि पृथ्वीराज चौहान भी जल्दी आपको देखने को मिलेगी, जो कि अक्षय कुमार की फिल्म है। दोस्तों बात करें टाइगर 3 की, तो मनीष शर्मा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, वहीं आदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। हो सकता है दोस्तों कि सलमान और कैटरीना की ये आखिरी फिल्म हो साथ में, अब आगे का कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फैंस और दर्शक काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं टाइगर 3 को देखने के लिए। अब आपका क्या कहना है दोस्तों इस बारे में, कमेंट में लिख के बताएं। सब्सक्राइब कर दोस्तों चैनल को ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट ऐसे ही मिलती रहें सबसे पहले। धन्यवाद।